स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति वैसे वैसे परेशान होने लगता है, क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो कहीं ना कहीं क्या है, कुछ बच्चों के लिए अपने माँ बाप बोझिल से होने लगते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये भी बीमारी हो जाती है, वो भी बीमारी हो जाती है। और आप एक बात हमेशा कहते हैं कि 40+ के बाद अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। एक तो वो सारे बुज़ुर्ग जो ऐसे पड़ाव में आ चुके हैं कि अब उन्हें खुद का ख्याल रखना ही रखना है, चाहे उनके बच्चे साथ हो या ना हो, उनके लिए क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं वो बेहतरीन, जिन्हें वो घर बैठे बैठे बना ले, जिसके लिए उन्हें कहीं जाना ना पड़े, जानना चाहूंगे। बहुत अहम सवाल है ये। और जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि इंसान अपना बुढ़ापा भी ऐसे गुजार सकता है जैसे जवानी में वो रहा है। बिल्कुल। और मैं खुद मतलब इसका गवाह हूँ, यानी मैं मौजूद हूँ और मैं भी बूढ़ा आदमी हूँ, और 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, उससे भी ज़्यादा मेरी उम्र है। जी तो बुढ़ापे में सारी बीमारियां आती हैं, जो चार पांच बीमारियां याद रखें। उसमें सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल, यानी खून का गाढ़ा हो जाना, फिर डायबिटीज, थायराइड और हार्ट ब्लॉकेज, ये किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम। ये ऐसी बीमारियां हैं कि हर शख्स पे आनी ही आनी है, अगर चाहे वो एक बीमारी आए, वैसे एक से ज़्यादा आती है हर शख्स पर, ब्लड प्रेशर और ये और वो। अगर आप 40 साल गुजार चुके हैं तो अपना ख्याल खुद रखना शुरू कर दीजिए, और इन 5-6 बीमारियों से आप सुरक्षित रह सकते हैं और ज़िंदगी भर रह सकते हैं, और ज़िंदगी पूरी जवानों की तरह गुजार सकते हैं। बस ज़रा सा एक काम, सिर का, कलौंजी का या जैतून का असली। अच्छा, मार्केट भरी पड़ी है नकलियों से, असली लेना आपकी जिम्मेदारी। और क्या मुश्किल है, आप 2-3 चम्मच रात को पानी में मिलाकर पी लिया करें। तो मेरा ज़ाती तजर्बा यह है कि ना तो ये डायबिटीज़ को आने देता है, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ने देता है, ना हार्ट ब्लॉकेज होने देता है। और अगर 1 चम्मच धनिए के साथ लिया जाए तो ये थायराइड भी नहीं होने देता, और होता है तो कंट्रोल करता है, जिनको है उनको कंट्रोल रहता है। और पहले लोग, पहले ज़माने में, आज से 100 साल की बात कर लें, सब लोग ये सिरका इस्तेमाल करते थे। और मैंने अपने बचपन में देखा, पूरी ज़िंदगी में बचपन के मैंने सिर्फ एक डायबिटीज़ का मरीज़ देखा। और आज मैं अगर ये चाहूँ कि कोई ऐसा घर मिल जाए जिसमें डायबिटीज़ ना हो, तो शायद ये मुमकिन ना हो, या मुझे बहुत परेशानी हो ऐसा एक घर ढूंढने में। तो पहले लोग ये अपने खानों में इस्तेमाल करते थे, कलौंजी का या जैतून का सिरका असली। अगर ये आप लेने लगें, वक्त पर लेने लगें, और इसे एक ऐसी दवा जो आपको 5-6 रोगों से महफूज रखती है, सुरक्षित रखती है। तो देखिए, मैं तो अच्छी ज़िंदगी जीता हूँ और खूब पैदल चलता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, कम खाना खाता हूँ, वज़न कम रखता हूँ, कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट रखता हूँ। आप भी ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में जो उम्र है औसत, वो 65 साल है, और मैं 60 साल का हो चुका हूँ। आप सोच लीजिए कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर हम बेड पर आ गए, फालिज का ख़तरा अगर ये लेंगे, फालिज का ख़तरा में से आप सुरक्षित रह सकते हैं, हार्ट फेल का ख़तरा, हार्ट अटैक का ख़तरा, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, ये सारे खतरात समझ लीजिए आप सुरक्षित रह सकते हैं। 2-3 चम्मच पीना क्या मुश्किल है।
पूरे दिन में 24 घंटे में, बहुत आसान है।